अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो और मैनुअल मोड यूज़ करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ एक ट्रिक जो हेल्प करें आपको मैनुअल मोड यूज़ करने में, वो भी एकदम फास्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइज, मैनुअल मोड में तीन मेन सेटिंग्स होती है, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। और ये तीनों सेटिंग्स में हर एक सेटिंग की दो दो प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी तीनों की कॉमन है कि वो लाइट को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर शटर स्पीड की बात करें तो जितना आप हायर शटर स्पीड रखोगे उतना कम लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी, और जितना आप लोअर शटर स्पीड रखोगे मतलब स्लोअर शटर स्पीड रखोगे तो उतना ज़्यादा लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी। अपर्चर की बात करें तो जितना ज़्यादा आप अपर्चर नंबर रखोगे उतना कम लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी, और जितना कम आप अपर्चर नंबर रखोगे जैसे f1.8 या फिर f1.4 उतना ज़्यादा आपके कैमरा में लाइट एंटर होगी। और ISO तो एकदम सिंपल है, जितना ज़्यादा आप ISO रखोगे उतना ज़्यादा आपके कैमरा में लाइट इंक्रीज होगी, और जितना कम आप ISO रखोगे उतना कम आपके कैमरा में लाइट इंक्रीज होगी। अब गाइस, जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये तीनों सेटिंग्स की वो अलग अलग है। शटर स्पीड कंट्रोल करता है मोशन को। अगर आप एकदम फास्टर शटर स्पीड रखोगे तो आप कोई भी एक्शन को फ्रीज कर सकते हो, और अगर आप कोई स्लोअर शटर स्पीड रखोगे जैसे 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उन्हें मोशन ब्लर दिखेगा। अब गाइस, शटर स्पीड की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो कोई भी स्टिल ऑब्जेक्ट या फिर आप पोर्ट्रेट ले रहे हो तो उसमें आपको शटर स्पीड मिनिमम 1/250 तक के तो रखना है, ताकि आपके शटर बटन प्रेस करने की वजह से जो शेक क्रिएट हो रहा है कैमरा में वो एलिमिनेट हो पाए और आप एकदम शार्प फोटो ले पाए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। नाउ अब अपर्चर की बात करें तो अपर्चर कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर आप कह सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर। तो जितना ज़्यादा आप अपर्चर नंबर रखेंगे जैसे f8 या फिर f11, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके सब्जेक्ट के आगे और पीछे फोकस में रहेगी। ये ज़्यादातर हम लोग लैंडस्केप में यूज़ करते हैं। और जितना कम आप अपर्चर नंबर रखोगे जैसे f1.8 या फिर f1.4, उतना ज़्यादा आपके सब्जेक्ट के आगे और पीछे वाली चीज़ें ब्लर होगी। ये हम लोग ज़्यादातर पोर्ट्रेट में यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को वो ब्लरी बैकग्राउंड मिल सके। अब ISO की तो कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है नहीं, बट फ्लो में जाने के लिए हम लोग ग्रेन्स को ISO की एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप हायर ISO नंबर यूज़ करते हो तो आपके फोटोज़ में ज़्यादा ग्रेन्स दिखते हैं, और जब आप लोअर ISO नंबर यूज़ करते हो जैसे 100-200 तब आपके फोटोज़ में कम ग्रेन्स दिखते हैं। नाउ गाइस, आगे जाने से पहले मैं एक बार वार्न कर देता हूँ कि अगर आप कुछ समझा नहीं है तो फिर से एक बार जाके रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आएंगी। अब गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सेटिंग्स की दो प्रॉपर्टीज़ है, तो जब भी आप कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो दूसरी प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होगी। जैसे अगर मैं कोई एक्शन कैप्चर करने के लिए फास्टर शटर स्पीड यूज़ कर रहा हूँ तो उसके वजह से जो दूसरी प्रॉपर्टी है मतलब एक्सपोजर, जब मैं फास्टर शटर स्पीड यूज़ करूँगा तो मेरे कैमरा में लाइट भी कम एंटर होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो दूसरी भी अफेक्ट होगी। नाउ गाइस, जब हम लोग मैनुअल मोड यूज़ करते हैं तो हम लोग के दो गोल्स होते हैं, पहला एक शार्प फोटो लेना, दूसरा एक प्रॉपरली एक्सपोज फोटो लेना। तो इन्हीं तीन सेटिंग्स, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO का यूज़ करके आपको वो दो गोल्स जो है वो अचीव करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर ट्रिक, और आप इसको एक मेथड भी कह सकते हो लाइक बिगिनियर फोटोग्राफर्स के लिए मैनुअल मोड में स्टार्ट होने का। नाउ गाइस, ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले अपनी जो ISO है उसको 100 पर सेट कर देना है। उसके बाद आपको आपकी जो मेन सेटिंग है यानी जो भी आप फोटोग्राफ कर रहे हो उसके हिसाब से जो आपकी मेन सेटिंग है, जैसे अगर आप एक पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो आपकी मेन सेटिंग रहेंगी एक लोअर अपर्चर नंबर ताकि आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल सके, और अगर आप एक लैंडस्केप क्लिक कर रहे हो तो आपकी मेन सेटिंग रहेंगी एक हायर अपर्चर नंबर ताकि ज़्यादा चीज़ें फोकस में रहे, या फिर आप कोई लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हो तो आपकी मेन सेटिंग रहेगी एक स्लोअर शटर स्पीड। तो ये जो मेन सेटिंग रहेगी उसको आपको सेट कर देना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला दो प्रॉपर्टीज है, तो जब आप एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो दूसरी प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होगी। तो जो उस सेटिंग्स के वजह से जो मेन सेटिंग आपने एडजस्ट किया उसके वजह से जो एक्सपोजर में चेंजेस आए उसको सही करने के लिए आपको जो लास्ट सेटिंग जो बची हुई रहेंगी उसको यूज़ करना है। नाउ अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ जाए। तो लेट्स से कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग ने हमारी जो ISO है उसको 100 पर सेट कर दिया। अब हमारी मेन सेटिंग है कि हम लोग को वो बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो अपर्चर नंबर है लेंस का वो सबसे लोएस्ट पर रख देंगे। तो लेट्स से कि हम लोग ने f1.8 पर सेट कर दिया हमारा जो अपर्चर है वो।
अब जब आप F1.8 पर सेट करोगे तो आपके कैमरा में ज़्यादा लाइट एंटर होगी। अब वो लाइट को कैंसिल करने के लिए और एक प्रॉपरली एक्सपोज फोटो लेने के लिए आपको शटर स्पीड जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये तो डे लाइट में था, लो लाइट में क्या होता है कि आप अगर अपना जो अपर्चर नंबर है वो एकदम लोवेस्ट से भी लोवेस्ट यूज करोगे तो भी आपका जो फोटो रहता है वो डार्क रहता है। अब उसको यू नो प्रॉपरली एक्सपोज करने के चक्कर में आप ज्यादा शटर स्पीड कम कर दोगे, तो वो नहीं करना है आपको। आपको मिनिमम शटर स्पीड जब आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो तो 1/250th of a second पर रखना है ताकि आपका फोटो जो है वो शार्प आ सके। तो वो मेंटेन करने के लिए वो जो शटर स्पीड है 1/250th of a second की, वो मेंटेन करने के लिए आपको ISO इंक्रीज करना पड़ेगा लो लाइट में, बस ऐसा होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। वैसे तो लो लाइट में बस हम लोग ज़्यादातर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ये सब ही करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये सब करते नहीं है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो अगर आप कोई एक्शन कैप्चर कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग ने जो हमारी ISO है उसको यू नो सेट कर दिया 100 पर। उसके बाद हमारी जो मेन सेटिंग है, अब हम लोग एक्शन कैप्चर कर रहे हैं तो हमारी मेन सेटिंग होगी एक फास्टर शटर स्पीड। तो आपको मिनिमम कोई भी एक एक्शन कैप्चर कर रहे हो आप, तो आपको मिनिमम 1/1000 की शटर स्पीड यूज़ करना है। 1/1000 यू नो काफ़ी हो जाता है कोई भी एक एक्शन को कैप्चर करने के लिए। अब जब आप 1/1000 की शटर स्पीड यूज़ करोगे तो आपके कैमरा में लाइट डिक्रीज होगी क्योंकि आप एक फास्टर शटर स्पीड यू नो यूज़ कर रहे हो। तो उसको अब सही करने के लिए, वो एक्सपोजर को सही करने के लिए आपको अपर्चर जो है वो लोएस्ट से लोएस्ट यूज़ करना है जब तक कि आपका जो एक्सपोजर है फोटो का वो सही नहीं हो जाता। नाउ गाइस एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं लॉन्गर एक्सपोजर का। सो सबसे पहले तो हम लोग ने हमारी जो ISO है इसको 100 पर सेट कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारी मेन सेटिंग है वो है एक लॉन्गर एक्सपोजर, तो हम लोग यूज़ करेंगे कम से कम 5 सेकंड का या 10 सेकंड का आप यूज़ कर रहे हो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो जब आप वो लॉन्गर एक्सपोजर यूज़ करोगे, एक चीज़ जब आप लॉन्गर एक्सपोजर ले रहे हो तो आपको ट्राइपॉड मस्ट है क्योंकि आपका जो हैंड है वो इतना स्टेबल नहीं रहता, तो आपको ट्राइपॉड यूज़ करना ज़रूरी है। तो लेट्स से कि आपने 5 सेकंड की शटर स्पीड यूज़ की, तो जब 5 सेकंड की शटर स्पीड यूज़ करोगे, डे लाइट में तो कर ही नहीं सकते, बस इवनिंग में ही कर सकते हो ये सब 5 सेकंड 10 सेकंड और नाइट टाइम में। तो जब 5 सेकंड की शटर स्पीड यूज़ करोगे तो आपके कैमरा में जाहिर सी बात है ज़्यादा लाइट एंटर होगी। तो अब उसको कैंसिल करने के लिए आपको अपर्चर इंक्रीज़ करना है, बहुत ही सिंपल है यू नो मैनुअल मोड। अब पहली बार में तो आपको आएगा नहीं है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो पहले घर पर मेन शूट से पहले, थोड़ा जब आप बाहर जाके शूट करते हो उससे पहले थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो, हर एक सेटिंग को हर बार यू नो चेंज करके देखो, सोचो क्या हो रहा है जब आप वो सेटिंग चेंज कर रहे हो। तो सो आई गेस यहाँ पर होती है हमारी वीडियो एंड। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक द मेथड, और यू नो लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज मैं और भी ऐसी वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। ओके तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।